मैं राहुल राज। तो आज बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने लड़के को बुलाया जाएगा और किस किस ट्रेड से आपको कितना पोस्ट है और क्या क्या डिटेल्स था, A to Z वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि आपको मैंने ये पिछला वीडियो ये बता चुका था आपको, जिसमें आपको बता दिया कट ऑफ क्या रहेगा, आंसर की कब आएगा, टेस्ट टेस्ट कितने नंबर का होगा, रिजल्ट में कितने लड़के को बुलाया जाएगा। तो एक एक डिटेल्स उस वीडियो में आप इस वीडियो में प्रोवाइड कर दो। अब बारी आती है आप लोगों के कमेंट के अनुसार और इस वीडियो के अनुसार ही समझ लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी गलती हुई तो सारा मेहनत बेकार और आ जाएंगे टंटनाइल घर। तो टंटनाइल घर से आने से अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार रखें। एक एक डिटेल्स बात करेंगे क्या क्या आपको 9 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दे, अगर आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा तो कितने लड़के को बुलाया जाएगा। देखिए पोस्ट कितना है हमारा, 693 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से आपको 20 गुना लड़के को बुलाने वाला है, ठीक है। कितने लड़के को, 20 गुना लड़के को, तो 13,860 लड़के को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप आ जाते हैं तो आप समझिए कि लक्की हैं, इसलिए कि आपको पता होगा कि कितने लड़कों ने फिजिकल्स में पास किया था, रिटेन में कितने लड़के, मैं बता दूं रिटेन की बात तो आपको 92% लड़के का प्रेजेंट था, 8 ही% जो लड़के ऐसे थे जो आपको एग्जाम देने नहीं गए थे। आप देखे होंगे अपने एग्जाम हॉल में पूरा सारा सीट पूरा फुल था, ये नहीं था कि आपको गैप था, कोई एक दो ऐसा सीट दिखेगा जो आपका गैप था। तो अब बात करने वाले 13,860 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहना चाहिए, एक एक डिटेल्स की ओर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो आपको कमेंट जरूर करना है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स। अगर आप मुझे चाहते हैं कांटेक्ट करने के लिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में है और टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ भी जाकर आप पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसलिए कि रिजल्ट आ जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है कि सब डॉक्यूमेंट सही तरीके से रहे, कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक जय हिंद जरूर लिखे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, 100 लाइक्स जरूर कंप्लीट करना है इस वीडियो को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिख रही है ये एसएससी की कांस्टेबल जीडी की बुक है जो आपको चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें आपको 3300 से प्लस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सेट कितना है 11 और आपको प्रैक्टिस सेट 20 है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया, 100% आपको इस बार वर्दी मिलने वाली है, बेस्ट है, बुक है। और आइए मैं आपको इसमें दिखा दूँ, यहाँ देखिए पाठ्यक्रम यानी आपको सिलेबस यहाँ साफ साफ आपको दिया है कि इस बुक में कैसा है, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ठीक है, समान ज्ञान और जीके जिस दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको यहाँ गणित के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आपको यहाँ साफ साफ हिंदी में अगर बुक में पढ़ना चाहते हैं तो बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एग्जाम आपको जिसमें देना है आप दे सकते हैं और इसमें दोनों क्वेश्चन सेट किया गया है, हिंदी का क्वेश्चन भी सेट किया गया और इंग्लिश का। एग्जाम तो आपको एक ही में देना है, या तो हिंदी में दीजिएगा या तो इंग्लिश में दीजिएगा। क्वेश्चन को ले चलता हूँ, तो जैसे कि आपके यहाँ डिस्प्ले पर दिख जाएगा, यहाँ जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो एक नंबर क्वेश्चन को यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आप बना दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। सॉल्व कहाँ मिल जाएगा, नीचे हम आपको दिखाता है। तो आप यहाँ सॉल्व भी आपके यहाँ दिया गया, किस प्रकार आपको बनाना है, एक एक डिटेल्स आपको इसमें दर्शाया गया है और आप इस समझ सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप किसी सर नहीं है आपके पास तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको एक एक डिटेल्स भी समझाया गया। तो फ्रेंड आप ये बुक को परचेज। बात कर क्वालिफिकेशन की ओर चलते हैं, तो देखिए क्वालिफिकेशन में चलने से पहले आपको एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, आपको ये जरूर आपके पास होना चाहिए, आपको फिजिकल्स का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एक नंबर उसे भी आपको रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात कर ले, आपको रिटेन का एडमिट कार्ड रखना जरूरी होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि कैसे उसको भरना है, गलत नहीं करना है, गलत हो जाए तो क्या करना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये दो एडमिट कार्ड आपको रखना ही रखना होगा, अगर आपके पास नहीं रहा तो प्रॉब्लम की सामना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात चलते हैं, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको हो गए, फिजिकल्स का एडमिट कार्ड और एग्जाम का एडमिट कार्ड। अब बारी आती है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे 10th के आपको मार्कशीट, अगर आपको फॉर्म 10th पर फिल किए हैं तो 10th को आपका मार्कशीट लगेगा, यानी अंक प्रमाण पत्र। तो देखिए अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कहीं से भी आपने फॉर्म फिल किया, जिस राज्य से फॉर्म किया उसका स्टेट बोर्ड से अगर आपने फॉर्म फिल किया तो वहाँ का आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। अगर आप CBSE से हैं तो आपका इस प्रकार से आपका रहेगा। इसमें सर्टिफिकेट हर एक राज्य का अलग रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको गलत होगा, लेकिन हाँ 10th का आपका मार्कशीट होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं 12th के मार्कशीट के लिए,
है, अगर आप फॉर्म को 12th लेवल पर भरे हैं तो आपको 12th का भी मार्कशीट होना अनिवार्य है। सीबीएसई वाले को इस प्रकार रहेगा, स्टेट बोर्ड वाले को इस प्रकार रहता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं फिर से बता दूं, हर एक राज्य का अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहता है, सीबीएसई वाले को तो लगभग एक रहता है। लेकिन अब ये क्या है, अब नेक्स्ट वाले में 10th और 12th का मार्कशीट नेक्स्ट आते हैं, 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं 10th के सर्टिफिकेट को लेकर बात। तो अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपको इस प्रकार से प्रमाण पत्र मिलता होगा, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको इस प्रकार से प्रमाण पत्र मिलता होगा। ठीक है, और आपको ये लेकर जाना है, तो 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट और 12th का भी सर्टिफिकेट। ये आपका कितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, 6 डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपको बता चुका। फिजिकल्स का एडमिट कार्ड, रिटेन का एडमिट कार्ड दूसरा नंबर, और उसके बाद 10th में 2 डॉक्यूमेंट्स आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर 12th की 2 डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, कितने आपका मैं बता चुका, 6 डॉक्यूमेंट्स। आगे बात करते हैं, अब देखिए निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जो बनता है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसका आपका सर्टिफिकेट वहीं से बनेगा। तो जैसे कि एक और बात बता दें, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो एड्रेस दिया है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, उसी का आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा। एक मेरे भाई का कॉल भी आया था कि वो आपको देखिए प्राइमरी एड्रेस पर वो भर दिख चुके हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं उनको बता चुका हूँ। लेकिन अभी की हम बात करने वाले हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए, तो मैं बता दूँ आपको, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए परमानेंट एड्रेस में एड्रेस फिल किया होगा वही आपका निवास प्रमाण पत्र बनना होगा, और दूसरा रहेगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए निवास प्रमाण पत्र की मैं बात कर लूँ, टोटल कितना 7 डॉक्यूमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको भारत सरकार द्वारा बना होना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा क्या क्या बना, देखिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब बात कर ले, देखिए ये आपको जो होना चाहिए ये 3 साल के भीतर का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST वाला भी 3 साल, EWS वाले 1 साल के भीतर का होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा का हो गया हो तो आप नया बनवा लें, आपसे यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप यहाँ भी आकर सारे मेहनत करने के बाद भी छट सकते हैं। ये छटने की प्रक्रिया में ना जाएं, फिर से मैं बता रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और मैं सारा चीज़ A to Z बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा 8वां डॉक्यूमेंट हो चुका, जिसमें अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी वाले अपना ओबीसी बनवा लें सर्टिफिकेट, SC ST वाला SC ST के सर्टिफिकेट बन लें, और EWS कैटेगरी वाला EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें। चलिए 8 डॉक्यूमेंट्स हो गया, अब बात आती है आपका 9वां डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 9 डॉक्यूमेंट्स कौन है, आपको एक आईडी प्रूफ, जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही लगे, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स में बता चुका, अभी और आगे बताऊंगा, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में आपको क्या लेकर जाना है, तो जन्म प्रमाण पत्र में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वरना नहीं है तो 10th का आपका सर्टिफिकेट पर भी आपका जन्म प्रमाण पत्र, जन्म डेट ऑफ बर्थ दिया गया है आपका, वो भी मान्य होता है। तो इसका जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी भाई के पास नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, लेकिन आपको नोटिस में रहता है कि DOV सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं 10th वाला भी आपका मान्य होता है, इसकी घबराने की बात नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट की। ठीक है, अब जिस ट्रेड से आपने फॉर्म फिल किया है उसका आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपने सफाई कर्मचारी से फॉर्म फिल किया है तो सफाई कर्मचारी का हो, कुक का हो तो कुक का होना चाहिए, आप जिस ट्रेड से फॉर्म फिल किए हैं उसका होना चाहिए। ITI से सर्टिफिकेट है तो ITI भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। टोटल मैंने आपको 11 डॉक्यूमेंट्स बता दिया, मैं आपको डिस्प्ले पर 9 ही लिखा था लेकिन आपको 11 डॉक्यूमेंट्स बता दिया। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद अगर आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कॉमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और कमेंट में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, आपसे एक यही रिक्वेस्ट है। और साथ ही बता दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे कि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मैं प्रोवाइड करूं। और आगे चलते हैं,
आगे आपको जो भी अपडेट आएगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।